कटनियां छीन छीन के गुजारा करता रहा, उसके साथ मेरी बहन कभी नहीं जाएगी। क्यों? नहीं, शादी होगी तो मेरे साले शिशुपाल के ही साथ होगी। किस वेद में लिखा है बहन का विवाह साले के साथ करना? वेद को छोड़ो, आजकल तो कोई वेद पर लेते हो महाराज। बोलो, ये बहुत उल्टा चल रहा है मंत्री। हाँ, यही तो हम इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बिटिया का विवाह इसके साले के साथ कैसे हो सकता है। इस कमबख्त को ये पूछो, इसे इतनी फुर्ती नहीं है कि अपनी बहन की शादी अपने साले के साथ में कर देगा। दुनिया वाले क्या कहेंगे ये बताइए। जब उसने अपनी बहन हमारे लिए कर दी तो मैं उसके साथ अपनी बहन का विवाह नहीं कर सकती। इसका मतलब अदले में बदला करेगा? नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। शादी होगी तो कन्हैया के साथ होगी। अरे पिताजी, अब मालूम पड़ता है आप राज्य चलाने के काबिल रहे नहीं। रुको, कहिए। तू ये कह रहा है अपने साले के साथ में करेंगे? अगर ये दुनिया वाले तेरे साले के लिए ताली बजा दे तो बजवा दे, बजवा। अरे कोई नहीं बजाएगा, तब तो बजाए। और हम कन्हैया के लिए बजवा देंगे। तो नहीं मानोगे? ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ऐसा हम होने कभी नहीं देंगे। जब समय आएगा तब देखा जाएगा कि रुक्मणी तेरे साले के साथ जाएगी या फिर कन्हैया के साथ। रुक्मणी अपने बाप को फटकार दिया, जाओ जाकर के आराम करो, हम सब देख लेंगे। पत्र ले लिया हाथ में, हाथ में पत्र ले करके अपने साले शिशुपाल को चंदेली नगरी को लिखने लगा है। रुक रुक, अपनी बहन शादी तो बातचीत है ना भाई, तासी पहले सालों जीजा बनाए लो, डरने